Hello students, we are doing here general solution of the equation of different type under the head trigonometric functions for class 11th. In previous lecture we tried to obtain the general solution of a equation type a sin x plus b cos x equal to c by the method of squaring the equation on both sides. This is clear. Today I will try to solve the same equation by different method. ठीक है, तो मैं वही इक्वेशन को दोबारा लेता हूं और उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूं. इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थी अंडर रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन. ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने किस मेथड से सॉल्व किया था, स्क्वेयरिंग मेथड से. ठीक है, कॉस एक्स को इधर लेके थे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया था. अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ. इक्वेशन किस टाइप की है ये, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी. इस तरह की इक्वेशन में एक मेथड है जो पहले वाले मेथड से ज़्यादा इजी रहता है. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये मेथड है हमारा. तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड by अंडर रूट थ्री प्लस वन. अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, थ्री. माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन. इक्वल टू टू. डिवाइड द इक्वेशन बाई अंडर रूट थ्री. देखिए कितने सिंपल तरीके से इक्वेशन सॉल्व होने वाली है. तो अंडर रूट थ्री बाई टू साइन एक्स माइनस वन बाई टू कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू. क्लियर, इक्वल टू वन बाई टू. अंडर रूट थ्री एक्स, अंडर रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू. ठीक, अब इसको लिखते हैं हम. रूट थ्री बाई टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई थ्री की. तो साइन पाई बाई थ्री साइन एक्स माइनस कॉस पाई बाई थ्री, वन बाई टू होता है कॉस पाई बाई थ्री कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू. अब मैं दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाई थ्री एंड कॉस एक्स माइनस, या इसको ऐसे लिखें हम, कॉस एक्स कॉस पाई बाई थ्री कॉस एक्स, मैंने इंटरचेंज कर दिया है, कॉस पाई बाई थ्री माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू. दोनों तरफ से मैंने माइनस को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया. कॉस एक्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी. तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई टू, किसकी वैल्यू होती है कॉस टू पाई बाई थ्री, कॉस टू बाई टू पाई बाई थ्री. ठीक है, कॉस एक्स, तो एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल हो गया टू पाई बाई थ्री के, टू पाई बाई थ्री के. ठीक, अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई थ्री. मैं बात करता हूँ जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री. क्लियर है, यही होगा. अब अगर मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं प्लस, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन व्हेन आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ प्लस, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका टू एन पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री इधर जाएगा, प्लस पाई बाई थ्री. और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, पाई बाई थ्री को इधर ले जाएंगे, यहाँ मैं माइनस ले रहा हूँ इस बार, तो माइनस टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री, कितना पाई बाई थ्री हो गया, माइनस थ्री पाई बाई थ्री. तो क्या बचेगा, माइनस पाई, टू एन पाई माइनस पाई इक्वल टू टू एन 2n माइनस वन पाई. तो ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का.
ठीक है, जो हमारा पहले स्क्वायरिंग मेथड से भी यही सॉल्यूशन आया था। तो ये दूसरा मेथड आज हमने डिस्कस किया जिसमें हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन को किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कंपैरिजन किस में करते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी वाली इक्वेशन में। क्लियर है? नाउ मूव टू अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन फाइव साइन एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स इक्वल टू टू के प्लस वन हैज सॉल्यूशन। ऐसे हमने क्लास टेंथ में लीनियर इक्वेशन के लिए क्वेश्चन किए थे चैप्टर थर्ड में। तो वो कहता है कि फाइव साइन एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स इक्वल टू टू के प्लस वन, के की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन है इसके। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे हम, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी वाला सॉल्यूशन पार्ट, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाय बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी नाइन इक्वल टू अंडर रूट सेवेंटी फोर। अंडर रूट सेवेंटी फोर से हमने दोनों साइड को डिवाइड कर दिया तो आई ऑप्टेन 5 बाई अंडर रूट 74 साइन एक्स प्लस 7 बाई अंडर रूट 74 कॉस एक्स इक्वल टू 2 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 74। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर 5 बाई अंडर रूट 74 को मैं क्या मान लेता हूं, साइन थीटा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया साइन थीटा, साइन एक्स प्लस, तो सेवन बाई अंडर रूट सेवेंटी फोर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। कैसे, ये वैल्यू हो गई थीटा, मैंने फाइव बाई रूट सेवेंटी फोर को साइन थीटा माना था तो ये वैल्यू हो गई फाइव और ये हो गई अंडर रूट सेवेंटी फोर। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्लियर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेवन अंडर रूट 74 का स्क्वायर क्या होगा, 74 माइनस 25 कितना बचा, 49, रूट लिया तो 7 आई। ठीक है, तो 7 बाई अंडर रूट 74 किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 74। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस थीटा इक्वल टू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेवेंटी फोर। ठीक है, ये कौन सा रेशियो है आपका, कोसाइन रेशियो। कोसाइन रेशियो की रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन। तो अगर ये वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच लाई करती है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस वन स्मॉलर देन और इक्वल टू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेवेंटी फोर और वन, इसके बीच में इसको लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, माइनस वन से वन, तभी इसके सॉल्यूशन होंगे। अंडर रूट सेवेंटी फोर को इधर लिया, माइनस रूट सेवेंटी फोर टू के प्लस वन अंडर रूट सेवेंटी फोर। ठीक है, अब माइनस अंडर रूट सेवेंटी फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू
के माइनस रूट 74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो k की वैल्यू इस वैल्यूज के बीच में लाई करेगी तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। यहां आप चाहे तो रूट 74 की वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट 74 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 8 जा 64, तो 8 पॉइंट कुछ आएगी, लेकिन ये माइनस में होगी, ये टर्म 4 पॉइंट कुछ हो जाएगी, ये टर्म 3 पॉइंट कुछ हो जाएगी, ठीक है। इसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी तो इसके सॉल्यूशन होंगे, क्लियर है। तो आज हमने जनरल सॉल्यूशन निकाले ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी टाइप इक्वेशन के, किस मेथड से, एनोदर मेथड से, स्क्वायर मेथड से नहीं। यहाँ हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ हमें डायरेक्ट एक सॉल्यूशन मिलता है, कोई ऐसा रूट नहीं मिलता जिसको हमें एलिमिनेट करना हो। ओके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब